राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्नाव पहुंच गई है। इस दौरान राहुल की यात्रा का 12 स्थानों पर स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी खुली जीप पर बैठकर जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में है। राहुल के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी की टिप्पणी से पता चलता है कि उनके मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना जहर है। उन्होंने वायनाड में यूपी के मतदाताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, लेकिन यूपी का भविष्य विकास की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं दक्षिण भारत में, वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निवेदन को, निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। उत्तर प्रदेश में कल ही इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। बता दें कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 21 फरवरी को 39वां दिन है। वहीं 22 और 23 फरवरी को यात्रा ब्रेक पर होगी, जिसके बाद न्याय यात्रा 24 फरवरी को मुरादाबाद से फिर शुरू होगी।